देवराज का आंसर 0 आया है। और किसी का कुछ आया क्या? देवराज क्या किए? डायरेक्ट कर दिए डिफेंस शॉट, या मतलब कुछ खेल खेले हो फिर वैल्यू रख के खूब टेक आउट किए हो? सर डायरेक्ट किए थे। डायरेक्ट की यहाँ लॉग लेने का मतलब तो है नहीं, अकाउंट में एक्सप्लोर है। देखो क्या है, ये लिखा है एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एम, एक्स की पावर पी अपॉन एक्स की पावर एम। ये लिखा है एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन, एक्स के पावर पी अपॉन एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एम अपॉन एक्स के पावर पी, एक्स के पावर एन अपॉन एक्स के पावर पी। ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाएगा, वाई क्या बन जाएगा? एक्स के पावर एम अपॉन। सर डायरेक्ट एलसीएम लेने पे वन हो जा रहा है, तो ऊपर नीचे कट जा रहा है। हाँ बेटा, तो एलसीएम लो ही मत ना, हम तो कह रहे अपने आप से कुछ टाइम मिल जाएगा, एक्स पावर एन और एक्स पावर पी बन जाएगा, एक्स पावर एन एक्स पावर एम एक्स पावर पी बन जाएगा, ऊपर एक्स पावर एन चला जाएगा, फिर ये यहाँ टकराएगा ऊपर जाएगा, ये बनेगा आपका एक्स पावर पी अपॉन। डिनोमिनेटर सेम है सबका, तो न्यूमरेटर जुड़ेगा और सब कट के वन हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा आपका एक्स के पावर एम प्लस एक्स के पावर एन प्लस एक्स के पावर पी, एक्स के पावर पी कट के वन हो जाएगा। तो वाई डैश क्या आएगा? जीरो। एक्स वैल्यू कुछ भी ले लो हीरो, वाई डैश जीरो ही आएगा, ठीक है? तो जीरो आंसर था, ये आसान सवाल था। तो इस तरह सवाल आपके थे विशाल के, हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, आगे बढ़ेंगे। बेटा मिटा दिया मैंने, लिखना है क्या? किसको लिखना है? हाँ सर हो गया। अरुण कह रहा है कि सर आज सब जीरो वाला ही क्यों आ रहा है? विशाल के सवाल है। अब वो कुछ पर्टिकुलर सवाल पूछ गया है तो उसमें जीरो आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, सवाल दे रहा हूँ करिए। इफ वाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, देन शो दैट, इसको शो करिए आप लोग कि एक्स क्यूब वाई डबल डैश, डबल डैश मतलब डिफरेंशिएशन है, डबल ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर। ये सवाल कराया हुआ है मेरा मॉर्निंग वाले में, एक्स क्यू वाई डबल डैश एक्स वाई डैश माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये शो करना है एक मिनट में मात्र, एक मिनट मतलब एक मिनट, ठीक है? शो करिए।
ये जाए डिवीजन में रहेगा तो सबट्रैक्ट कर देगा इसको, एक्स इधर लेते जाओ, जाएगा लॉग एक्स ए प्लस बी एक्स, कर दो डिफरेंशिएट यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डी एन डैश माइनस एन डी डैश 1/x 1/ ए प्लस बी एक्स, कुछ भी का डिफरेंस है मतलब बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा कट रहा है क्या, नहीं अलग अलग कर लो, वाई डैश बाई एक्स काम को एक्स स्क्वायर उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, तो एक्स वाई डैश माइनस वाई बराबर एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स, कॉल करो इसको यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी एक्स, यहाँ से आएगा आपका एक्स वाई डैश माइनस वाई ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, ऐसे आ जाएगा। ये बाव कर दो यहाँ डिफरेंशिएशन, ये बाव करोगे तो एक्स पकड़े रहो वाई डैश का वाई डबल डैश प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा तो वाई डैश रह जाएगा माइनस वाई डैश हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डी डिनोमिनेटर डी एन डैश मतलब न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन माइनस एन डी डैश मतलब डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन, यह आएगा इससे कट जाएगा एक्स वाई डबल डैश बराबर ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स अपॉन में ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, इससे कट जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसको इक्वेशन वन बोल दो। तो सर दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए हाँ देखिए बढ़िया ऊपर बढ़िया, नीचे एक्स स्क्वायर दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब वाई डबल डैश, ये बन जाएगा ए एक्स ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा,
एंड ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स कैप का एक्स वाई डैश माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा बन गया, देख लो हो गया, छाप लो फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ेंगे, हम बोलते नहीं तुम लोग कि हो गया कि नहीं हुआ, अपने से हमें सोचना पड़ता है। अब बच्चे कर लिए होंगे, बता दिया करो। जो एक सवाल दे रहे, सवाल है बढ़िया, इफ वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसा है ठीक है, देन शो दैट आसान सवाल टू एक्स वाई डैश प्लस वाई टाइम्स वाई ट्रिपल डैश। थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन सवाल आसान है, दिमाग कम लगेगा मेहनत लगेगा। डबल डैश मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डैश मतलब तीन बार डिफरेंशिएशन ठीक है। तो ये शो करना है आपको, ट्रिपल डैश का पहला सवाल दिया हूँ मैं आपको, टू एक्स वाई डैश प्लस वाई टाइम्स वाई ट्रिपल डैश बराबर थ्री टाइम्स एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश टाइम्स वाई डबल डैश, वाई दिया हुआ है, बड़ा सिंपल सा है। तो कर लो आसानी से, आसानी से करो। डेढ़ मिनट ही दूंगा इसके लिए।
हुआ भी है तीन बार करना डिफरेंशिएट तो डरेंगे नहीं, कर लेंगे जल्दी कर। हो गया ना, हो गया भैया कोई? हाँ ना बोला करो यार, इसको उधर भेजो। एक्स स्क्वायर प्लस सी ये वाई हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी यहाँ लगाओ प्रोडक्ट टूल, एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई डैश इसका। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, टू एक्स वाई बराबर में ए हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल ए हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बाव करो डिफरेंशिएट, यहाँ प्रोडक्ट टू लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई डबल डैश इसका टू एक्स वाई डैश, और यहाँ पे टू एक्स वाई डैश टू वाई बराबर ज़ीरो, ये हो जाएगा भैया। एक बार इसको मिला दो,
अरे वोल्टेज से फोर हो जाएगा, टू कॉमन ही कर सकते हो, तो टू एक्स वाई डैश प्लस वाई बराबर जीरो ऐसा हो जाएगा। इसको भाव कर दो, तीन बार करना है ना हमको ट्रिपल, ये भाव कर दो तो एक्स स्क्वायर इसको पकड़े लेंगे, इसका डिफरेंस है वाई ट्रिपल डैश, इसका डिफरेंस है टू एक्स, यहाँ पे टू रहने तो यहाँ पे टू एक्स वाई डबल डैश प्लस टू वाई डैश प्लस वाई डैश बराबर जीरो, ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टी वाई ट्रिपल डैश टू कॉमन ही कर लो हम, क्या आपका एक्स वाई डबल डैश और टू कॉमन कर लोगे तो यहाँ पर एक्स वाई डबल डैश और टू एक्स वाई डबल डैश थ्री एक्स वाई डबल डैश आएगा और यहाँ पे थ्री वाई डैश सही बराबर जीरो, तो यहाँ थ्री भी कॉमन हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तुम अपना ये बना लो, एक इक्वेशन ये बना लो और एक इक्वेशन यहाँ से सिक्स कॉमन करके बना लो, ऐसा बन जाएगा ठीक है, ऐसा बन जाएगा भैया। अब क्या करें, एलिमिनेट कर दो यहाँ पे, आपको निकालना क्या है फॉर्म में, इसका प्लस इसके पास भी एलिमिनेट करते हैं, यहाँ वाई ट्रिपल डैश से मल्टीप्लाई कर दो इस वाले इक्वेशन में, वाई ट्रिपल डैश से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन में वाई डबल डैश से मल्टीप्लाई करके घटा दो, इक्वेशन नंबर टू बोल दो, वन माइनस टू कर दो ठीक है। जब वाई डबल डैश यहाँ मल्टीप्लाई होगा और वाई ट्रिपल डैश यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ट्रिपल डैश यहाँ पे और डबल डैश यहाँ पे, ये पार्ट इससे कट जाएगा बेटा, यहाँ क्या आएगा आपका टू टाइम्स टू एक्स वाई माइनस वाई डैश माइनस वाई टाइम्स वाई ट्रिपल डैश और माइनस सिक्स बीच में प्लस होगा, अच्छा माइनस हाँ टू एक्स वाई माइनस ये प्लस है हाँ प्लस है ठीक है, माइनस सिक्स वाई डबल डैश और एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश बराबर जीरो, टू टू कट जाएगा उधर भाई, तो यहाँ से आएगा आपका टू एक्स वाई डैश प्लस वाई बराबर थ्री वाई डबल डैश एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश, यही प्रूव करना था आपको, प्रूव हो गया सर। हाँ सर, इधर सर तीसरे लाइन में सर ये कैसे आया, दो बार कैसे हुआ है टू एक्स वाई डैश प्लस टू एक्स वाई डैश, इसको जो प्रोडक्ट रूल लगाओगे एक बार इसको पकड़े रहो, इसका डिफरेंस वाई डबल डैश से प्लस इसको पकड़े रहो एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा तो टू एक्स वाई डैश हो जाएगा, फिर यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल तो टू एक्स पकड़े रहो वाई का वाई डैश हो जाएगा, फिर वाई पकड़े रहो तो एक्स का वन हो जाएगा तो टू वाई बन जाएगा, तो ये टू एक्स वाई डैश दो बार आ गया, एक बार इसका आया एक बार इसका आया ठीक है भैया। छाप ली आगे बढ़े, हाँ सर चलिए अब कुछ जनरल प्रॉब्लम्स लेकर के हम आए हैं आप पर, जनरल प्रॉब्लम ये सवाल आपके जेई मेंस और एडवांस में आते हैं, डिफरेंशिएशन के बेसिक्स क्वेश्चन हम लगाए हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लगाए सही पढ़ेंगे हाँ। चलो सर तो मान लो सवाल लिख रहे हैं, एक फंक्शन है और फंक्शन एफ है मान लो आर टू आर है, डोमेन को डोमेन दोनों क्या है रियल नंबर, और एक क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है सेटिस्फाई द इक्वेशन
fx plus y fx into fy ऐसा है for all x y belong to real number कहा जा रहा है कि जो फंक्शन है कभी जीरो नहीं है हाँ कभी जीरो नहीं है कभी जीरो नहीं है एंड कह रहा है कि फंक्शन एफ एक्स यदि डिफरेंशिएबल है फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो और कह रहा है कि एफ डैश जीरो जो है एफ डैश जीरो जो है यदि टू है देन प्रूव दैट कि जो एफ डैश एक्स है वो टू टाइम्स एफ एक्स है फंक्शनल इक्वेशन कहते हैं इसको फंक्शनल इक्वेशन पे क्वेश्चन है ऐसे इक्वेशन जहाँ फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं उनको लोग फंक्शनल इक्वेशन कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगा तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कहेंगे ठीक है अलजेब्रा इन्वॉल्व होगा तो अलजेब्रिक इक्वेशन कहेंगे यहाँ फंक्शन ही इन्वॉल्व हो गया है अननोन फंक्शन उसको हम लोग फंक्शनल इक्वेशन कहेंगे ऐसे सवालों का अप्रोच देखिए ऐसे सवाल हम लोग खूब लगाएंगे हाँ अगली क्लास में भी तो फिलहाल में ऐसे सवालों का अप्रोच देखिए तो जैसे देखो फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई कह रहा है फंक्शन एफ इक्वल टू जीरो को डिफरेंशिएबल है और एफ डैश जीरो जो है टू ऐसा दिया हुआ है एफ डैश जीरो क्या होगा एफ डैश जीरो क्या होगा अगर एफ डैश जीरो को लिखना चाहो एफ डैश जीरो का टू है एफ डैश जीरो होता क्या है तो फर्स्ट प्रिंसिपल लगा लो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच यहाँ पे लिमिट ऑफ एच टेन टू जीरो ये वैल्यू क्या है टू है यहाँ से आएगा आपका एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच लिमिट ऑफ एच टेन टू जीरो बराबर कितना आएगा टू आएगा अच्छा बात यह कि आपको अभी एफ जीरो और एफ एच की वैल्यू मालूम नहीं है तो आप सवाल में देखो एक्स और वाई जीरो रख दो एक्स और वाई जीरो रख दो तो एफ जीरो प्लस जीरो मतलब एफ जीरो बराबर क्या आएगा एफ जीरो का स्क्वायर कॉमन कर लो क्या आएगा एफ जीरो माइनस वन इक्वल टू जीरो यहाँ दो बातें आएंगी एफ जीरो बराबर जीरो या एफ जीरो बराबर वन ये पॉसिबल नहीं है क्यों सवाल में कह रहा है एफ एक्स कभी जीरो ही नहीं है तो एफ कभी जीरो है ही नहीं तो एक्स टू जीरो रहोगे तब भी जीरो नहीं होगा एफ जीरो कितना है वन तो ये कितना आपका वन है एफ जीरो कितना आपका वन है तो यहाँ से आप क्या पाओगे लिमिट ऑफ एच टेन टू जीरो जेई में से एडवांस में सवाल आते हैं आपके वन हो गया
बराबर टू बोल रहा है, ठीक है भैया। अच्छा ये रखे रहो, यहाँ सॉल्व क्या करें, क्योंकि जीरो पे तो ये जीरो बाई जीरो बनेगा, जीरो पे जीरो बाई जीरो बन जाएगा। एफ डैश एच कर दें क्या, एफ डैश एच बराबर टू जो चल रखते हैं इसके के सामान रखे रहो। अच्छा एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स को हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एच टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। ध्यान दो अच्छा, एफ एक्स प्लस एच को ये प्रॉपर्टी लगा लो, क्या आ जाएगा आपका लिमिट ऑफ एच टेंड टू जीरो एफ एक्स इंटू एफ एच माइनस एफ एक्स है ना, अपॉन क्या आएगा एच आएगा। सवाल लिखे चलो, लिमिट एच टेंड टू जीरो और यहाँ से एफ एक्स कॉमन कर लो, एफ एक्स जब कॉमन कर लोगे तो जब ओवर जाएगा मीटिंग तो रिज्वाइन कर लेना, ठीक है ये सवाल कर लेंगे पूरा। तो एफ एच माइनस वन आएगा अपॉन में एच, इसकी वैल्यू टू है यहाँ पे टू रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा एफ डैश एक्स बराबर।